नमस्ते, मैं मधु। मैं एक ट्विन फ्लेम डिवाइन मास्कुलाइन, और आज मैं आपको एक टॉपिक में लेके जाना चाहता हूँ जो है ट्विन फ्लेम हार्मोनियस यूनियन के पाथ पे जो लेट गो करना पड़ता है, तो वो एग्जैक्टली होता क्या है कि अगर लेट गो ही करना है तो फिर हम लोग मिले ही क्यों अपने ट्विन फ्लेम से, और अगर लेट गो करना है तो फिर वो जो डर आता है अपने अंदर से तो उसको किस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये सारा मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ रहिए। तो पहला तो आप जो मैंने वीडियो पोस्ट है कि मिरर एक्सरसाइज, वो आप देख लीजिए, क्योंकि आपको वो टूल पूरे जर्नी में हेल्प करेगा। कि जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी होता है एक स्पिरिचुअल जर्नी, तो ये एक स्पिरिचुअल असेंशन बात है कि आप आपके ईगो को किस तरह से हील करके अनकंडीशनल लव में आ सकते हो, राइट? तो उसके लिए मिरर एक्सरसाइज आपको बहुत मदद करता है, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम होते हैं, जो डिवाइन मास्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन होते हैं, तो वो एक दूसरे को अपना जो ब्लॉक है वो मिरर करते हैं। मतलब कहीं पे भी अगर आपको लगेगा कि वो ऐसे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो ब्लॉक है जिसको वो आपको एक्शन के थ्रू दिखा रहे हैं। तो ये एक बेसिक है ट्विन फ्लेम के लिए। तो जैसे मैंने अभी अपने क्लासेस वगैरह स्टार्ट किया है, तो अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के साथ हील होने को मिलता है, क्योंकि एक साथ जब ट्विन फ्लेम्स आते हैं तो उसका बहुत ही खूबसूरत सा वाइब्रेशन रहता है। तो मैं काफ़ी ब्लेस्ड हूँ उन सब लोगों के लिए जिन्होंने क्लासेस ज्वाइन किया। तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्लास में से, बट मेरा ये अप्रोच रहेगा कि जो भी ब्लॉक्स हमको क्लासेस में दिखता है और जिसमें हम कुछ ब्रेक थ्रू करते हैं, तो मैं वो ब्लॉक आप लोगों से शेयर कर सकूँ, ताकि वो हीलिंग जो हम कर रहे हैं इकट्ठा मिलके, तो वो कॉन्शियसनेस में वापस जा सके। तो एक बहुत ही प्यारा सा ब्लॉक है कि मैं तो किसी मतलब कोई और चैनल देखता नहीं हूँ। मेरा सिंपल डेडिकेशन है कि मैंने एक पाथ चूज किया और मैं उसी पे ही आगे बढ़ा, तो मेरा यूनियन काफ़ी जल्दी हुआ, राइट? तो हमेशा यही है कि एक ही पाथ चूज करिए और आगे बढ़िए। और मेरा हमेशा का रिकमेंडेशन है कि यूनियन का पाथ चूज करिए। सेपरेशन चूज करके कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब आपके ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में आए हैं तो हारमोनियस यूनियन आपको आगे लेके जाएगा, आपका असेंशन होगा। गॉड के पास जाने का सबसे आसान तरीका जो होता है वो ट्विन फ्लेम हार्मोनियस यूनियन होता है, क्योंकि एक तो आपके ट्विन फ्लेम आपको मदद करते हैं आपके स्पिरिचुअल ब्लॉक्स देखने के लिए, और फिर हार्मोनियस यूनियन के बाद आप दोनों मिलके असेंड करते हो, तो आसान रहता है। ओके, तो क्लास में जैसे था कि लेट गो का एक ब्लॉक है जो आया, तो उन्होंने शेयर किया कि कॉन्शियसनेस में ऐसे वीडियो हैं जहाँ पे बोला जाता है कि लेट गो मतलब छोड़ दो, ना अपने ट्विन फ्लेम को देखो, ना बात करो, ना उनके सुनो। तो मेरा इमीडिएटली रिस्पांस जो गॉड ने चैलेंज किया है कि इस नॉट कि गांधी जी के बंदर है कि ना आप आपके ट्विन फ्लेम को देखोगे, ना सुनोगे, ना कुछ करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपकी ट्विन फ्लेम है, वो आप ही हो और अलग से बॉडी में, तो अपने आप से इतनी नफरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ बोला जाता है, जब आप सुनते हो और आपको दिल से अच्छा नहीं लगता है, तो उसको मिरर करिए कि क्या बुरा लगा आपको, कौन सी चीज़ है। क्योंकि अगर आपको दिल में कहीं चुभ रहा है तो कहीं ना कहीं वो ब्लॉक है, राइट? अगर ब्लॉक नहीं होता तो आपको दिल में महसूस नहीं होता, वो ऐसे निकल जाता आपके एनर्जी के थ्रू। लेकिन अगर कहीं पर आपको चुभ रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है अंदर से, आप रेजोनेट नहीं हो रहे हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि जिस बात में सच्चाई होती है आपको दिल से वो चीज़ अच्छी लगेगी, आप दिल में महसूस कर पाओगे कि हाँ ये सही लग रहा है मुझे। तो हमेशा अपने दिल को ऑनर करो, क्योंकि भगवान ने आपको जो दिल दिया है उसके थ्रू ही आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं, है ना? दिल और भगवान एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको सिर्फ अपना हार्ट चक्रा ओपन करना पड़ता है, और फिर बाकी सारा ब्लॉक्स आपको बाकी चक्रा के ब्लॉक्स अपने आप फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो लेट गो का मतलब ये नहीं, यस लेट गो का फेज आता है कि एक पॉइंट पे आके आपको लेट गो करना पड़ता है, लेकिन लेट गो क्या करना है, इंसान को लेट गो नहीं करना, आप कर ही नहीं सकते हो। कि कभी आप सोचोगे कि मुझे मेरे ट्विन फ्लेम को छोड़ देना है, आप सोच के भी देखो आपको दिल से एकदम से लगेगा कि
मतलब जैसे खुद को छोड़ दिया है, एकदम से एक धक्का सा लगता है, तो फिर उस बात में कोई ट्रुथ नहीं है कि मतलब क्यों, मैं क्यों अपने ट्विन फ्लेम को लेट गो करूं, कोई जरूरत नहीं है। तो वैसे मैं मास्कुलाइन हूँ तो मैं काफ़ी चूज अलग सा करता हूँ, जो मेरी ट्विन फ्लेम झेलती है मुझे और फिर डंडे मारती है, लेकिन लेकिन कॉन्शियसनेस को शेयर करने के लिए मैं सही रास्ता बताऊंगा कि मेनली मेरे साथ रहने का यही फायदा होता है कि जो मास्कुलाइन के डायनामिक्स होते हैं मुझे आसानी से पता चलता है कि क्या डायनामिक्स होता है, तो आपको अपने मास्कुलाइन ब्लॉक सील करने में मदद होता है। ओके, तो ये होता है कि जब मिररिंग होती है तो लगता है, दिल को लगता है तो अच्छा नहीं लगता। वो लगता है इसलिए है क्योंकि आपके दिल में ब्लॉक है, इसलिए आपको प्यार महसूस नहीं हो रहा है उनका, तो कहीं ना कहीं वो जो ब्लॉक है वहाँ पे टच हो रहा है। तो ब्लॉक पे जब टच होता है तो वो पेन या तो फिर अलग सा कुछ तो फीलिंग रहता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो जो आपको लेट गो करना है वो है ईगो, ईगो को लेट गो करना है, ना कि अपने ट्विन फ्लेम को, है ना। अपने ट्विन फ्लेम के साथ रिश्ता कट करने का सोचना या अपने ट्विन फ्लेम को छोड़ने का सोचना भी एक सेपरेशन का चॉइस है, और ये ईगो कराता है। ईगो बोलता है कि प्यार को छोड़ दो, ईगो बोलता है डरो, ईगो बोलता है कुछ नहीं होगा, ईगो बोलता है तुमसे तो नहीं होगा और तुम पैदा ही हुए हो सफर करने के लिए, डरो। ये सब चीज़ें ईगो से आता है और ये मेनली सेपरेशन की वजह से आता है कि कहीं ना कहीं अपने अंदर हमने गॉड से सेपरेशन चूज़ किया है, तो हमको वो डिवाइन गाइडेंस डायरेक्टली नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने अपने इवन इस जन्म में या पिछले जन्म में हमने कभी गॉड से डायरेक्टली कैसे रिलेशन रखा जाता है वो सीखा नहीं है। तो हम कॉन्स्टेंटली आइदर अपने पेरेंट्स की बात, नहीं तो अपने स्कूल एजुकेशन सिस्टम की बात, तो इसी बेस पे हम अपना डिसीशन या अपने जो चॉइसेस है उसको प्रोसेस करते हैं। लेकिन डिवाइन चॉइस क्या है, डिवाइन का मेरे लिए क्या पाथ है, वो जानना एक स्पिरिचुअल जर्नी होता है। कि जैसे मैंने अपनी लाइफ में जो माइंड से ऑपरेट होके जो भी था, अच्छे से पढ़ाई करना, है ना, अच्छा लड़का देख के शादी करना, अच्छा पैसा कमाना, बड़ा घर बनाना, गाड़ी लेना, मैंने सब कर लिया, सब कर लिया। लेकिन वो बोलते हैं ना, दिल में जो थी ना बचपन से कि वो इंसान है, कोई तो है जो चाहिए, वो फुलफिल ही नहीं हुआ था। ऐसा लगता था कि सब कुछ तो हो गया फिर भी कुछ तो बाकी रह गया, तो क्या रह गया था। तो जिस दिन मुझे याद है कि मैंने सिर्फ इतना गॉड को पूछा था कि अभी भी मुझे, मैंने सब कुछ कर लिया, अभी भी मुझे अंदर से खाली लग रहा है, तो क्या रह गया। तो उसके बाद ही मेरा अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, राइट। क्योंकि गॉड तभी आपको आंसर देंगे जब आप उनको पूछते हो, राइट। इसलिए बोलते हैं कि आप सरेंडर करो और पूछो, नहीं समझ में आ रहा है तो गॉड को पूछो डायरेक्टली कि क्या करूं। कहीं ना कहीं गॉड आपको मैसेज देंगे, किसी गाने के थ्रू, किसी मैसेज के थ्रू, किसी इंसान के थ्रू, कोई वीडियो आएगा, कोई बुक आएगा, राइट। आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा, नंबर्स आएंगे, राइट, आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आप एक बार पूछो तो सही, एक बार दिल खोल के ये तो ट्रस्ट करो कि आपके ट्विन फ्लेम हैं, और जैसे आप उनको प्यार से ढूंढ रहे हो तो वो आपको प्यार से ढूंढ रहे हैं। हो सकता है आपके सामने जो इंसान दिख रहा है वो फॉल्स ट्विन फ्लेम है, जिसकी वजह से आप प्यार में ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपको प्यार करने के लिए बना ही नहीं है, तो आपको प्यार में ट्रस्ट होगा भी नहीं। तो उस इंसान की वजह से प्यार के ऊपर भरोसा मत छोड़, प्यार को दिल में पकड़ो, है ना। अपने ईगो को छोड़ दो, ईगो को छोड़ के प्यार में कभी आप हारोगे नहीं, प्यार कभी आपको हारने नहीं देगा। ये पूरा सच है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने प्यार, वो ऐसे दिमाग में बैठा रहता है कि आप प्यार करोगे तो आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। आप सिर्फ प्यार करो, आपको लाइफ में जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि जो लव एनर्जी होता है वो डायरेक्टली गॉड के साथ कनेक्शन होता है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने लव चूज किया और गॉड ने आपका इस धरती पे केयर नहीं रखा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो सब कुछ होगा, आप एजुकेशन में जो भी करना चाहते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि, है ना, कि ट्विन फ्लेम पाथ पे आ गए तो एकदम से स्पिरिचुअलिटी में जाना है, ऐसा नहीं है। तो आप जो भी परस्यू कर रहे हो, जो भी आपका ड्रीम है, आप डॉक्टर बन सकते हो, आप इंजीनियर हो सकते हो, आप, है ना, IIT में जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट वो आपको प्यार करने से नहीं रुकता, राइट। तो ये सेपरेशन ही मत देखो कि मैंने प्यार कर लिया तो मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा, नहीं, ये सन्यासी बनने का कोई पाथ नहीं है।
क्योंकि जो आपको दिल से अच्छा लगता है वो आपके ट्विन फ्लेम को वही अच्छा लगेगा। ओके, तो फिर आप देखोगे कि अगर आपको रियली पैशन है डॉक्टर बनने का या इंजीनियर बनने का, तो आप देखोगे आपकी ट्विन फ्लेम वहीं पे आपके साथ रहेगी और वहीं पे आपको सपोर्ट करेगी या सपोर्ट करेंगे आपको ग्रो होने के लिए। ट्विन फ्लेम का पर्पस है एक दूसरे के सोल को ग्रो कराना, तो इसलिए आप धरती पे आते हो ताकि अपना फुल पोटेंशियल को मैनिफेस्ट कर सको। इसलिए नहीं आते हो कि सिर्फ सेपरेशन में रह के पेन में अपने लाइफ को गुजारो, नहीं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक्सपीरियंस है। लाइफ को देखने का नजरिया जो होता है वो बदल जाती है, तो बिल्कुल भी लेट गो नहीं करना है। अगर लेट गो करना है तो सिर्फ वो ईगो को करना है जो बोलता है कि प्यार को चूज नहीं करना है, और जो चूज करना है वो है ट्रू लव, कि आई चूज माई हारमोनियस यूनियन, कि मैं मेरा हारमोनियस यूनियन को चूज करता हूँ। तो देखो, एक बार आप चॉइस करने के बाद जो भी चीजें आपको ब्लॉक करती है वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन एक बार पहले चॉइस करना वो आपके ऊपर है। भगवान वहां पे कोई कंट्रोल नहीं करते, वहां पे आपका फ्री विल है कि आप सेपरेशन चूज कर सकते हो, हारमोनियस यूनियन चूज कर सकते हो। लेकिन एक बार दिल में चूज करके देखो कि कौन सा चूज करने के बाद आपको अच्छा लगता है, एंड देन उसी पाथ पे आगे बढ़ो। ओके, थैंक यू। अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करना है ज्वाइन करिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू एंड टू हील विथ यू। थैंक यू।